नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रो मानविंदर रावत पर आप सभी श्रोताओं का। वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ और टाइमिंग भी थोड़ी सी लेट है क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, पर वीडियो बनानी थी और आपके बीच में लेकर के पहुँचना था क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा करनी थी। और महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि इतने समय से ये बीमारी के प्रकोप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सब प्रभावित हैं। मित्रों, ऐसे समय में अगर ग्रह हमें सपोर्ट करें, ऐसे समय में हमारा जो ग्रह है वो हमें ताकत दे, हमें बल दे, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। मैं आज के इस वीडियो में आपसे यही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कल है 1 जून। जी हाँ मित्रों, एक और नया महीना, यानी कि अब 1 से लेकर के और 30 तारीख तक हमारा पूरा जीवन काल प्रभावित होगा। और इन 30 दिनों में अगर महीने की शुरुआत अच्छी हो जाए तो वो तारीख आपको हमेशा याद रहती है, वो तारीख आपके मन में, मस्तिष्क में छप जाती है। और आप ये कहते हैं कि पंडित जी, जब महीना शुरू हुआ था मेरा तो पहला दिन, दूसरा दिन बड़ा बेहतरीन निकला था, तीसरा दिन बहुत बेहतरीन निकला था। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा, प्रयत्न यही करूँगा कि आपके लिए यह समय 3 तारीख दोपहर 12:07 तक, जी हाँ लिख करके रख लीजिए, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की दोपहर 12 बजे तक जितना कमा सकते हो कमा लो, जितना प्रयत्न एफर्ट्स डाल सकते हो काम को लेके डाल लो, क्योंकि एक नहीं दो दो राजयोग एक साथ आपको फल देंगे। किसी को एक राजयोग देगा तो किसी को दूसरा राजयोग देगा, किसी को दूसरा नहीं देगा तो पहले वाला देगा। दोनों सबसे बड़ी बात है कि हर राशि के लिए इन दो राजयोग जिनकी चर्चा करूंगा उसमें से एक बन रहा है, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मित्रों, शुरुआत अच्छी है जून के महीने की, उसके बाद कहीं ना कहीं मंगल तो नीच होने हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी थोड़ी लेट हो गई है तो ज़रूर देखिएगा। मित्रों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं भी दबाया है तो ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और मित्रों, बड़ी मेहनत लगती है, तपस्या लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, और आपसे उम्मीद भी ये करते हैं कि आप सब आपका जो स्नेह है वो हमें प्राप्त होता रहेगा। सबसे पहले जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ मीन वालों की। जितने भी जातक इस समय मुझे मीन के सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए पहले तो 2 राजयोग के नाम बता देता हूँ। एक है गज केसी राजयोग और दूसरा है बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, और एक सुंदर युति तीसरे नंबर पर, वो सुंदर युति है बुध शुक्र और मंगल की। तो 3 ग्रहों की सुंदर युति, एक गज केसी राजयोग और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ अपने सभी मीन के दर्शकों से कि आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा जो आपके मन पर बना हुआ है। आपके शुक्र और मंगल मन पर बैठे हैं, ये ऐसे में आपको रोमांस प्रिय बनाएंगे, मन से अच्छा बनाएंगे, आपके लिए कुछ नया लेकर के आएंगे, शुरुआत में ही आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन के सुख में वृद्धि करेंगे, जो तनाव चल रहा था उसको दूर करेंगे। और ये यानी कि 3 तारीख दोपहर 12 बजे तक का समय है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मित्रों आपके लिए चंद्र और गुरु की एक सुंदर युति 12वें भाव में रहेगी, इसका भी एक अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा, आपका आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा, इस प्रकार की ग्रह गति यहाँ पर दिखाई देती है। तो मीन वालों के लिए जो समय बेहतरीन है, आप किसी भी कार्य की शुरुआत निसंकोच भाव से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका वो कार्य है किस प्रवृत्ति का और किस तरीके का। और यदि कोई ऐसा काम है जो आपके लिए अर्जेंट है तो उसको भी आप इन 3 दिनों में कर सकते हैं, 1st हाफ 12 बजे से पहले पहले 3 तारीख तक। अब मैं जिस राशि के बारे में बात करूंगा, इसका नाम बाद में लूंगा, ये राशि ऐसी है जिसके लिए राजयोग बनेगा, जिसके लिए एक नहीं 3-3 राजयोग बनेगा, एक नवपंचम राजयोग बनेगा और एक साथ में चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग बनेगा। ये राशि वो है जिनको बैठे बिठाए घर पर पैसा आएगा, यानी कि कहने का मतलब है बहुत सारे लोग कंसल्टेंट होते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो घर पर बैठे काम चल रहा है, पैसा आ रहा है,
तो मित्रों यहाँ पर चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग आपके लग्न में शरीर पर बनेगा, जो आपके मान के लिए, जो आपके सम्मान के लिए, जो आपके पद प्रतिष्ठा के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी मेहनत के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपके पंचम भाव में संतान के घर में शुक्र मंगल और बुध की युति है, जो आपके चिंतन को बढ़ाती है, जो आपके यश को बढ़ाती है, जो आपकी प्रबंधन कला को बढ़ाती है, जो आपकी मंत्रणा शक्ति को बढ़ाती है, जो आपकी विचार शक्ति को बढ़ाती है, जो आपके शास्त्र ज्ञान को बढ़ाती है, जो आपकी विद्वानता को बढ़ाती है, जो विद्या का सुख देती है, जो संतान का सुख देती है, ऐसी एक युति बनी हुई बहुत बेहतरीन है। इस राशि का नाम है कुंभ, जिनके बारे में मैंने आपसे अभी बात करी। मित्रों आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। इस राशि का क्या होगा? इस राशि का महत्व पूरे 30 दिनों तक बड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। ये वो एक राशि है जो कहीं ना कहीं सारी की सारा खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस राशि के जो स्वामी हैं वो अब कमजोर स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेष राशि की, मेष राशि के स्वामी मंगल की। मंगल का क्या होगा, कैसे दंगल कराएंगे वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पर अभी क्योंकि मेरे को आपसे सवा दो दिन की चर्चा करनी है, क्योंकि मुझे शुरुआत अच्छी दिख रही है तो उस पर मैं विचार करना चाहता हूं। और आपके लिए लाभ स्थान पर चंद्र गुरु का गोचर चल रहा है, पेमेंट का लेन देन करना है 3 तारीख दोपहर 12 बजे तक कर लो, कोई एग्रीमेंट साइन करना है 3 तारीख तक 12 बजे तक कर लो, और साथ में माता से कोई मनमुटावे दूर करना है तो अगले सवा दो दिन में कर लो, सुख साधन से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है तो कर लो अगले सवा दो दिन में। एक ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। और एक चीज़ अच्छी है कि सगे संबंधियों का, खास लोगों का जो सहयोग है वो आपको भरपूर प्राप्त होने जा रहा है। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ दिखाई देता है। मित्रों अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। ये जो नेक्स्ट राशि रहेगी इनके लिए विशेष रूप से फल रहेगा, और वो विशेष फल दो चीज़ों को लेकर के है, एक तो कर्म मेहनत, दूसरा धन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में बनेगा और इस कॉम्बिनेशन से आपके जो कार्य हैं वो प्रशस्त होंगे। आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा, आपकी भाषा शैली बिल्कुल बदल जाएगी और आपकी भाषा में नर्मता आ जाएगी। आप अपने शब्दों से लोगों का दिल जीतेंगे और कहीं ना कहीं अपने कार्य को निकाल पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। और साथ में जितने भी लोग राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, जो लोग पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनको आजीविका के साधन प्राप्त करने में चुनौतियां महसूस करनी पड़ रही हैं, जिनके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता कमज़ोर हो रही है, तो ये सभी चीज़ें अगले सवा दो दिन में आपके बढ़ेंगी। इन सभी चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी और धन लाभ का एक सुंदर योग दिखाई देता है। पंचम भाव बुद्धि के, संतान के, अकस्मात धन लाभ के स्वामी होकर के बुध ग्रह आपके धन के भाव में सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, अगले सवा दो दिन तक करेंगे। अद्भुत और अकल्पनीय जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे सभी मित्रों से। और ये राशि है वृषभ, जिसके बारे में चर्चा करी। अब मैं जिस नेक्स्ट राशि के बारे में बात कर रहा हूँ, ये राशि ऐसी रहेगी जिसके लिए चंद्र गुरु के गज केसरी राजयोग का फल अच्छा नहीं मिलेगा और ना ही कोई स्वय राशि के बुध का इतना कोई अच्छा फल मिलेगा। पर फिर मिलेगा कैसे? यहाँ पर विशेष रूप से जो स्थिति बनेगी वो है चंद्र गुरु की अष्टम भाव में और बुध शुक्र और मंगल की 12वें भाव में। तो अष्टम और 12वें भाव में 5 ग्रह चले गए, तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यदि कोई आपको टेंशन तनाव चल रहा था मानसिक रूप से, तो वो दूर होगा, आप चिंताओं से मुक्त होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब संभालेगा कौन कुंडली को? तो संभालेंगे अकेले शनि महाराज यहाँ पर, क्योंकि स्वय ग्रही होकर के शश नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। तो मित्रों फाइनेंशियल गेन ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के घर में चले गए हैं। पर पुरुष पर स्त्री, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। ये राशि थी कर्क, जिसके बारे में मैंने आपसे भी चर्चा करी। अब मैं जिसके बारे में आपसे बात करूंगा, ये वो राशि है जिसके लिए नव पंचम राजयोग बनेगा, जिसके लिए भद्र नाम का राजयोग बनेगा और जिसके लिए महाभाग्य उदय का एक योग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, महाभाग्य उदय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक योग ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कैसे दिख रहा है, आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आपके लिए आपकी स्वयं राशि में बुध का भद्र नाम का राजयोग बनेगा, साथ में बुध दिशा बली भी रहेंगे और बुध की शुक्र की मंगल की युति भी है। ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस बढ़ना, व्यक्तित्व में निखार आना, लोगों का आपकी तरफ आकर्षित होना और आपकी विचार शक्ति, आपकी कार्यशैली से
लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ऐसा एक गोचर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भाग्य स्थान की मजबूती हो रही है, तो भाग्य स्थान की जब मजबूती होती है तो धार्मिक कार्यों में विजय हासिल होती है और साथ में भाग्य के अनुरूप जो हैं वो कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों। अब मैं जिस राशि के बारे में मैंने बात करी अभी आपसे, ये कन्या मिथुन राशि थी। तो जितने भी मिथुन के दर्शकों ने फल सुना ये आपके लिए था। अब आगे इसी विषय को बढ़ाते हैं और आपको बताता हूँ नेक्स्ट राशि जो कि सिंह रहेगी। जितने भी सिंह के दर्शक हैं वह आप फल सुन लीजिए। आपको चंद्र गुरु के गज के सी राजयोग से अगले सवा दो दिन तक जबरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट मिलने जा रहा है। जो भी लेन देन करने हैं कोशिश करिए इन सवा दो दिन में कर लें, 3 तारीख दोपहर 12 बजे से पहले। और आर्थिक रूप से भी जो आपकी समृद्धि है वो बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि तो वैसे आपके पूरे महीने ही रहनी है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। पर विशेष रूप से ये जो गज केसी राजयोग है इसका जो शुभ परिणाम है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। अब जिस राशि के बारे में बात करूँगा उनके लिए एक राजयोग है, पर ये एक ही राजयोग ऐसा है जो आपको काफ़ी एनर्जाइज करेगा, आपको स्फूर्ति देगा, आपको आपके स्वभाव में चंचलता लेकर के आएगा, आपके को के बुद्धि को मजबूत करेगा, आपके विचारों को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस प्रकार का जो योग है वो यहाँ पर बनेगा। तो मित्रों कौन सी राशि रहेगी पहले फल सुन लीजिए। सरकारी कार्य में लाभ मिलना, नौकरी को लेके चिंताएं से मुक्त होना, किसी सस्पेंशन का रद्द होना और साथ में कर्म की गति का मजबूत होना, मेहनत से और परिश्रम से फल प्राप्त होगा। जो भी मेहनत करेंगे उसका शुभ फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा मित्रों। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो सम्मान आपने खो दिया था वो खोया हुआ सम्मान एक बार पुनः आपको वापस प्राप्त होगा। और आप स्टार्टिंग के शुरुआती 2.5 दिनों में यानी 1, 2 और 3 तारीख के फर्स्ट हाफ तक ही अपनी प्लानिंग कर लें कि हमें ये काम करने और इस तरीके से करने और उसी अनुसार अपनी शुरुआत आप कर दीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि जिसके बारे में मैंने चर्चा करी अभी ये कन्या थी। अब हम आपसे आगे विषय को बढ़ाते हैं और अब इसके बाद जिस नेक्स्ट राशि के बारे में चर्चा करूँगा वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है और उसका नाम है तुला। तुला के दर्शकों आपके लिए काफ़ी वैसे तो महीना ही अच्छा है, परंतु विशेष रूप से अभी त्रिकोण भाव में मजबूती ज़्यादा रहेगी क्योंकि नव पंचम योग बनेगा, त्रिकोण में ही बनेगा। चंद्र गुरु पंचम भाव में और मंगल शुक्र बुध नवम भाव में रहेंगे, एक दूसरे से पंचम नवम रहेंगे तो कार्यों को बना देंगे, कार्य प्रशस्त होंगे, इस प्रकार का एक ग्रह गोचर यहाँ पर दिखाई देता है। चिंताएँ कुछ कम होंगी ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये मैं पूरे महीने के फल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे अभी सवा दो दिन की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। तो ये था तुला का फल मित्रों। अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि की बात करूँगा। ये राशि ऐसी रहेगी जो राजयोग कारक रहेगी और जिसके कार्य अपने खास लोगों के माध्यम से बनेंगे, जिनको अपने निकट के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। नाम भी अभी बताऊँगा। ये और कह देना चाहता हूँ कि एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके सप्तम भाव में बनेगा और ऐसी स्थिति में आपका जो प्रेम संबंध है, जो आपका दाम्पत्य सुख है और जो साझेदार से मिलने वाला लाभ है, जो व्यापार में हानि हो रही थी वो लाभ में अब कुछ कन्वर्ट होगी। इसके अलावा कोई सरकारी दाव पेच में फंसे हुए थे तो उसमें कमी होगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार के जो गोचरीय प्रभाव है वो यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अगले सवा दो दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि। ये जो जिस राशि की अभी आपसे बात करी ये थी धनु, और अब जिसके बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे वो रहेगी वृश्चिक। तो जितने भी जातक वृश्चिक के सुन रहे हैं आपके लिए चंद्र गुरु के गज के सी राजयोग का अत्यंत शुभ लाभ मिलेगा, धन के रूप में और संतान सुख के रूप में और आपकी कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान एकाग्रता के रूप में। जो एक विचलितपन चल रहा था पिछले सवा दो दिन से, अब आने वाले सवा दो दिन में वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप में एक पॉजिटिविटी का जो वास है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी मकर। जितने भी जातक मकर के सुन रहे हैं आपके लिए धन के नज़रिए से, पारिवारिक सुख के नज़रिए से, आपके
मित्र सुख के लिए, विद्या के सुख के लिए, खाद्य पदार्थों का आपका बढ़ना, द्रव्य पदार्थों का मजबूत होना, दाहिनी आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका मजबूत होना, स्वर संगीत का मजबूत होना, आध्यात्म रुचि बढ़ना, लेखन का मजबूत होना, संपत्ति से रिलेटेड लाभ मिलना, इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो बन रहा है। कोई क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उचित है। तो दोस्तों ये हैं सभी की सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव। अगर आप मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन सुविधाएँ सभी उपलब्ध हैं इस समय, तो घर बैठे आप फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप हमसे जुड़ के बात कर सकते हैं कुंडली कंसल्टेशन के लिए। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।